आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल लेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और गूगल लेंस के जरिए किसी भी चीज़ की जानकारी कैसे ली जाती है। कई सारे एनिमल्स, प्लांट और फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है या जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो इन चीज़ों की जानकारी आप ले सकते हैं गूगल लेंस के जरिए। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है गूगल लेंस, या फिर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया है, इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये आपसे कुछ टर्म को एक्सेप्ट करने को बोलेगा, यहाँ पर आप ओके कर लेंगे और यहाँ पर परमिशंस मांगेगा, आप अलाउ कर लेंगे। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ स्कैन करने के लिए बोलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पांच ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसलेट का, यहाँ पर आप पॉइंट करेंगे जो आपको ट्रांसलेट करना होगा, तो यहाँ से आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश या फिर किसी और लैंग्वेज में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा आपको टेक्स्ट का, यहाँ से आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करके स्कैन कर सकते हैं और आप कहीं पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन मिल जाता है आपको पॉइंट करने का, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ को आप पॉइंट करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन है आपको शॉपिंग का, यहाँ से आप अपने कोई शॉपिंग आइटम को, प्रोडक्ट को आप पॉइंट करेंगे तो उसकी डिटेल्स आप देख पाएंगे। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास पॉइंटर डिश का, यहाँ से आप कोई आप खाने के चीज़ को आप पॉइंट करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर ले पाएंगे। तो चलिए हम कोई चीज़ को यहाँ पर पॉइंट करते हैं, जैसे कोई आपको एप्लीकेशन या फिर कोई आइटम का, जैसे हमें कोई प्रोडक्ट को यहाँ पे स्कैन करना है तो यहाँ पर हम सर्च बार में क्लिक करेंगे और उस प्रोडक्ट को अपने कैमरे के सामने अच्छे से रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, आप देख सकते हैं वो कैसा है क्या है। यहाँ पर जैसे मैंने एक क्रीम सर्च की उसके डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स के बारे में आ गए हैं और उसके सिमिलर प्रोडक्ट के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे सिमिलर प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सिमिलर प्रोडक्ट हैं, इसके कौन कौन से हैं। उसके बाद कोई जैसा और प्रोडक्ट है, जैसे मेरे पास एक फेयर का वाइट बोर्ड मार्कर है तो इसको हम स्कैन करना चाहते हैं, तो सर्च बार में क्लिक करेंगे उसको सामने में रखकर और उस डॉट पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल फाइंड करके हमारे सामने आ जाएगी, उसका प्राइस क्या है, कितने का है, कौन से इसके सिमिलर प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी सारी डिटेल्स को। इसी तरह जैसे मेरा एक कोई और प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर मेरा एक गुलाब जल है, तो इसको हमें अगर लेंस को चेक करना है लेंस में तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जो ब्लू डॉट आ गया है इस पर हमको क्लिक कर देना है, तो ये जितने आइटम रहेंगे उनके सिमिलर प्रोडक्ट और उसके बारे में ये पूरी डिटेल्स आपको दे देगा। ये जैसे यहाँ पे दे दिया है, ये रोज़ वाटर इज अ फ्लेवर्ड वाटर मेड बाई स्टीपिंग रोज पेटल इन वाटर, ये देखिए उसकी पूरी डिटेल्स दे दिया है कि कैसे ये है बनता है और ये किसके बारे में है, ये क्या चीज़ है। उसके बाद दोस्तों जैसे मुझे कोई चीज़ कॉपी करना है किसी टेक्स्ट को, तो उसके बगल में जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं उसके सामने आप कैमरे को ले जाएंगे। कैमरे को ले जाकर आप यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे तो ये उसके सामने ये कॉपी हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से ये पूछा जाएगा कि आप पूरा कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और सेलेक्ट ऑल करने के बाद या फिर जितना आपने कैमरे के स्टैंड पे रखा है उतना कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। उसके बाद इसको आप तीन ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी अदर लैंग्वेज में आप इसको और सर्च कर सकते हैं और इसे आप कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे कॉपी करेंगे तो ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इसी तरह, तो दोस्तों गूगल लेंस काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, काम का एप्लीकेशन है। अगर आपको किसी प्लांट या एनिमल्स के बारे में नहीं पता है तो आपको उसकी एक फ़ोटो लेंगे, इसमें जो आपको डॉट मिल रहा है यहाँ पर एक आपको गैलरी का ऑप्शन मिल रहा है, इस गैलरी वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है और ये आपके गैलरी में पहुंचा देगा और यहाँ पर उसने जो आपको फ़ोटो ली रहेंगी, जैसे मैंने एक फ्लावर की फ़ोटो ली है, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है और उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपकी पूरी डिटेल्स रिलेटेड रिजल्ट आपको यहाँ पर ये दे देगा कि ये फ्लावर्स कौन सा है, कौन से फ्लावर्स का है, ये जैसे रोज़ है तो इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह दोस्तों आपको ऊपर में रोज़ की पूरी वैरायटी मिल जाएगी, रोज़ की कौन कौन सी वैरायटी होती है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
सो गाइज इस तरीके से आप गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।